दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आप कैसे वर्डप्रेस साइट को अपने होस्टिंग पैनल यानी सी पैनल में इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे अपने उसी वर्डप्रेस साइट में कस्टम थीम लगा सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये कैसे लगाते हैं ये जानने के लिए वीडियो को देखें, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा साइट है। पिछली वीडियो में इसी साइट को आपको इंस्टॉल करके दिखाया था, तो आज मैं दिखाऊंगा इसमें कैसे आप इस थीम को चेंज करके दूसरी थीम लगा सकते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट से। तो आप गूगल में सर्च करिए टॉप फ्री वर्डप्रेस थीम, बहुत सारे थीम आपको मिल जाएगा। कोई भी एक थीम को पकड़ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसी थीम को चूज़ करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड प्रोसेस बहुत इजी है। तो आप देख सकते हैं फ्री का थीम है, और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। इसका अपग्रेडेड वर्शन भी है, प्रो वर्शन। इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसका परचेस प्राइस $45, पर इस वीडियो में आपको फ्री में दिखाऊंगा कौन सी थीम आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे। तो उसी थीम पे आ जाइए। आने के बाद सिंपल आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं हो गया है, और इसी थीम को आप अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अपने वर्डप्रेस साइट की एडमिन पैनल पे इसको जाके अपीयरेंस पे क्लिक करिए और ऐप थीम्स पे क्लिक करिए। देख सकते हैं ये थीम है पहला था। तो इसको इसमें आप कस्टम थीम जो भी आपने डाउनलोड किए हो उसको लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आप ऊपर ऐड न्यू ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, और अपलोड थीम इस पर क्लिक करिए। और करने के बाद देख सकते हैं चूज़ फाइल, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्री थीम अपने स्टोर पे जो वर्डप्रेस स्टोर है उसमें दिया था। तो इसको आप क्लिक करिए चूज़ पे। क्लिक करने के बाद जो भी लोकेशन पे आपका फाइल डाउनलोड हुए है उसी लोकेशन पे आ जाइए, इसको सिलेक्ट करिए और ओपन करिए और इंस्टॉल नाउ इस पर क्लिक करिए। इंस्टॉल प्रोसेस बहुत इजी है, कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कोडिंग जानना ज़रूरी नहीं है। देख सकते हैं अपलोड होना चालू हो गया है और अपलोड होने वाला है, और देख सकते हैं इंस्टॉल होने लगा है आपके थीम वेबसाइट में। तो अनपैकिंग द पैकेज इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली इंस्टॉल, और इसमें एक्टिवेट पे क्लिक करिए। एक्टिवेट में क्लिक कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। एक्टिवेट में क्लिक करिए तो देख सकते हैं पिछला जो थीम था इसको पहले डिलीट करिए। ज़्यादा चीज़ आपके वेबसाइट में होगा तो वेबसाइट स्लो हो सकता है, तो इसको आप डिलीट करिए। इसको आप देख सकते हैं यही थीम है अबाउट ई कॉमर्स जेम। ये ई कॉमर्स एक थीम है, तो आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने को रिकमेंड करेगा। उसी तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं सारी चीज़ देख देख के। बहुत ईजी है, आप करके तो देखिए। देख सकते हैं ई कॉमर्स थीम यानी प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल ऑटो प्लग एक्टिवेट प्लगइन इस पर क्लिक करिए तो इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको सेटअप करना अलग की बात है, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो आप साइट में देख सकते हैं, साइट में ऊपर जो आपका आइकॉन है इस पर क्लिक करके विजिट साइट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट टैब खोल लीजिए। देख सकते हैं आपके थीम पूरा चेंज हो गया है। और जैसे कि मैंने बोला था जो फ्री थीम यूज़ करके आप नीचे उसी थीम का ऑथर का नाम जो भी क्रिएट किए हैं इस थीम को उसी का नाम वाटरमार्क पे दिखाएगा। देख सकते हैं ई कॉमर्स जेम बाय प्रमोट थीम। आप इसको प्रो वर्शन में इस थीम को लेंगे तो आप सारी चीज़ कस्टमाइज और भी कर सकते हैं। तो फ्री का चीज़ अच्छा नहीं होते हैं, आप
बिगिनर्स है तो इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत ऑप्शन है, इसमें कैसे आप पोस्ट डाल सकते हैं इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड बाय।